नमस्कार मित्रों, मैं योगी राज पवन आप सभी का कंप्यूटर योग में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आप सभी जानते हो कि कोविड-19 के कारण इंडिया में हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण ज्यादातर लोग घरों में ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लोग ज्यादातर मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, टीवी इत्यादि पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो देखिए मित्रों, अगर इन चीजों का उपयोग एक लिमिट में किया जाए तो कोई नुकसान की बात नहीं है, पर अगर लिमिट से ज्यादा इन चीजों का उपयोग किया जाए तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। ज्यादा मोबाइल फोन चलाने से हमारी आंखें खराब हो सकती है। देखिए मित्रों, अगर हमारी आंखें ही नहीं रहेंगी तो हम क्या देखेंगे? आंखें हैं तो दुनिया है, वरना कुछ नहीं है। तो मित्रों, हमारे हर पार्ट्स का हमारे लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल है। तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सावधान हो जाएं। अगर आप भी मोबाइल फोन चलाते हो तो आप सावधान रहिए, क्योंकि मित्रों होता क्या है कि कभी कभी हमको पता नहीं होता है और समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए मित्रों, जब हम मोबाइल फोन्स को चलाते हैं तो हमें पहले तो काफी अच्छा लगता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, पर कुछ समय के बाद में हमें दिक्कत होने लगती है। मैंने सुना है काफी लोग मुझसे कहते हैं, जब मैं टीवी देखता हूँ तो मुझे टीवी के अक्षर ठीक से नहीं दिखते, वो फैले हुए से नजर आते हैं। तो ये सभी कारण है आपकी आंखें खराब होने की। तो ये चीजें आपको संकेत दे रही है कि आपकी आंखें जो वो खराब हो रही है। तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये वीडियो आप पूरा देखें। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारी आंखों को खराब होने से हम कैसे बचाएं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक योग बताने वाला हूं, तो उस योग की सहायता से आप अपनी आंखों को खराब होने से बचा सकते हो। तो देखिए मित्रों, इस योग का जो फायदा है वो आंखों से ही नहीं है, बल्कि सारी चीजें आपके बॉडी की हर चीज का निवारण है ये योग। इस वीडियो में मैं आपको आंखों के लिए बहुत ही अधिक इफेक्टिव योग बताने वाला हूं। तो इस योग को करने के बाद में आपकी आंखें कभी खराब नहीं होगी। अगर आपकी आंखें खराब हो चुकी है तो आपकी आंखें धीरे धीरे रिपेयर होने लगेंगी। तो मित्रों, इस योग का नाम है शीर्ष आसन। इसके नाम से ही स्पष्ट है, शीर्ष आसन, यानी कि यह आसन सिर के बल पर किया जाता है। तो मित्रों, इस आसन के कई अधिक लाभ है। तो लाभ इसके आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको शो हो रहे हैं, तो वहां से आप इन लाभों को पढ़ लीजिए। तो मित्रों, इसके लाभ इतने ही नहीं, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और आंखों के लिए तो ये मानिए रामबाण है। तो मित्रों, मेरा कहना आपसे यही है कि वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए मित्रों, आप सीख लेते हैं इस आसन को कैसे करें। तो मित्रों, इस आसन को करने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी होगी। तो पहली बात ये है कि कभी भी आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि देखिए आसन जो है वो एकदम नहीं साध सकते, इसके लिए बहुत ज्यादा अभ्यास करना पड़ता है, उसके बाद ही आप ये आसन कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं भी एकदम आसन करना नहीं सीखा हूँ, मैंने भी काफी टाइम इस आसन को दिया है, इसके बाद ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो मित्रों देखिए, ये आसन जब भी आप करें तो आपको बिना सहारे के आसन को नहीं करना है, क्योंकि शुरुआत में होता क्या है कि हम बहुत ही अधिक उत्साह में आसन को कर बैठते हैं और हमारी कमर में या गर्दन में लचक लग जाती है। देखिए, आसन अगर सही ढंग से किया जाए तो उसके कई फायदे हैं, और अगर उसको गलत तरीके से किया जाए तो इसके कई अधिक नुकसान है। तो मित्रों, जैसा आपको वीडियो में बताया जा रहा है उसी प्रकार से आप इस आसन को करें। तो चलिए मित्रों, आप इस आसन को करने की विधि जान लेते हैं। तो देखिए मित्रों, कोई भी आसन आप एकदम नहीं साध सकते हो, उसके लिए बहुत ही ज्यादा अभ्यास की जरूरत है। तो मित्रों देखिए, शुरुआत में आपको इस आसन को दीवार के सहारे करना है, आपको दीवार को लेना है और उसके सहारे आपको इस आसन को करना है। तो देखिए, आप सबसे पहले आपको अपनी फिंगर को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद में आपको जो आपका ये कपाल होता है, ये सिर का ये हिस्सा, इस पर आपको इनको इस तरीके से फोल्ड करके इसको इस पर रख लेना है, और आप वीडियो में देख सकते हैं उसी प्रकार से आप आसन को कर सकते हैं। तो मित्रों देखिए, इस आसन को आपको 8 से 15 दिन करना है। देखिए, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कोई इस आसन को जल्दी करने लगेगा तो कोई कुछ समय के बाद करने लगेगा। तो 8 से 15 दिन आपको दीवार के सहारे इस आसन को करना है। इसके बाद में आपको दीवार के सहारे इस आसन को नहीं करना है, फिर आपको क्या करना है कि आपको अपने फैमिली मेंबर या आपके किसी भी मित्र को खड़ा करना है और उसको कहना है कि जब भी मैं पीछे की तरफ आऊं तब तुमको मेरे पैर को पकड़ लेना है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको करना है। जब इस आसन को आप अच्छी तरीके से करने लगे, फिर इसके बाद में आपको बिना सहारे के इस आसन को करना है, तो आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद में आप आसन को बिना सहारे के कर पाएंगे। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो मेरे उन मित्रों तक शेयर करें जिनको इस चीज की जरूरत है।